हेलो मित्रों, मेरे एक यूट्यूब फ्रेंड ने ये पूछा है कि आपने रोड एक्सीडेंट क्लेम के बारे में तो बताया, परंतु क्या ट्रेन की दुर्घटना अगर होती है तो उसमें भी क्लेम मिलने का कोई प्रावधान है? तो उनके इसी प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं आज इस वीडियो में। जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, रेलवे कि कोई दुर्घटना होती है अगर रेलवे में, तो उसमें कंपनसेशन मिलने का पूरा प्रावधान है और गवर्नमेंट ने इसके लिए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल्स बनाई हुई हैं जगह जगह। जैसे एक ट्रिब्यूनल बनी है लखनऊ में, एक ट्रिब्यूनल है गोरखपुर में, एक ट्रिब्यूनल है गाजियाबाद में, एक ट्रिब्यूनल है दिल्ली में, और इसी तरह से विभिन्न शहरों में ट्रिब्यूनल्स स्थापित की गई हैं। और ये ट्रिब्यूनल्स अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली एरिया में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें क्लेम कंपनसेशन का निर्धारण करती हैं। क्लेम दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड कोई दुर्घटना हो या गुड्स का लॉस हो। दोनों तरह की दुर्घटनाओं में क्लेम का सेटलमेंट यही क्लेम ट्रिब्यूनल्स करती हैं। तो अब इस तरह से समझिए आप कि अगर कोई यात्री वैलिड टिकट लेकर यात्रा कर रहा है और रेलवे की लापरवाही से या रेलवे की किसी भी कारण से वो दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में किसी वैलिड टिकट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे हर केस में रेलवे डिपार्टमेंट उस मृतक के परिवार वालों को 8 लाख रुपए मुआवजा देगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी आमदनी कर रहा था, कमा रहा था, खा रहा था, नहीं खा रहा था, कुछ भी, कितने बच्चे थे, क्या अपने ऊपर खर्च करता था, इस बात से कोई लेना देना नहीं। एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर दिया कि 8 लाख रुपए वो उसको पे करेंगे। और अगर उस दुर्घटना में किसी व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए हैं कोहनी से ऊपर, तो भी उसको कंपनसेशन जो पे होगा वो 8 लाख रुपए का अमाउंट पे होगा। अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए हैं और एक पैर कट गया है तो उसको भी 8 लाख रुपए का भुगतान होगा। और अगर उसके डबल एम्प्यूटेशन थ्रू लेग और थाई है, और तो ऐसे केस में भी उसको 8 लाख रुपए का कंपनसेशन पे होगा। अगर किसी व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई है जिससे वो अपने रोजमर्रा के काम का निर्वाह नहीं कर सकता है, इस लेवल तक अगर आईसाइट चली गई है, तो ऐसे केस में भी 8 लाख रुपए का कंपनसेशन पे होगा। और अगर उसके फेशियल डिसफिगरमेंट हो गया है सिवरल तरीके से, तो ऐसे केस में भी 8 लाख रुपए का कंपनसेशन पे होगा। या उसे सुनाई देना बंद हो गया है, एब्सोल्यूट डीफनेस हो गई है, तो भी 8 लाख रुपए का कंपनसेशन पे होगा। दूसरे केसेस वो हैं जहां पर उसको इंजरी हुई है। ये इंजरी जैसे कि उसकी अगर शोल्डर जॉइंट से एम्प्यूटेशन हो गया है, शोल्डर मतलब कंधा, कंधे के जॉइंट से अगर एम्प्यूटेशन हो गया है, तो ऐसे केस में 7 लाख 20 हजार रुपए अवार्ड होंगे उसको। शोल्डर से नीचे अगर 8 इंच नीचे अगर उसका एम्प्यूटेशन हुआ है तो 6 लाख 40 हजार रुपए मिलेंगे उसे। और इसी तरह से और एम्प्यूटेशंस के बारे में पूरा इसमें दिया हुआ है। अगर उसका एक अंगूठा कट गया है तो 2 लाख 40 हजार रुपए पे होंगे। अगर अंगूठा की बोन कट गई है तो 3 लाख 20 हजार रुपए पे होंगे। अगर उसकी 4 उंगलियां कट गई हैं एक हाथ की तो 4 लाख रुपए पे होंगे, और अगर उसकी 2 उंगलियां कट गई हैं एक हाथ की तो 1 लाख 60 हजार रुपए उसको दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर उसके फीट कट गए हैं तो 7 लाख 20 हजार रुपए का पेमेंट होगा। अगर उसकी एड़ियां कट गई हैं तो 3 लाख 20 हजार रुपए का पेमेंट होगा।
अगर एम्प्यूटेशन फ्रॉम हिप हुआ है जॉइंट का, लेग का, तो 7,20,000 रुपए का पेमेंट होगा। अगर फ्रैक्चर हुआ है स्पाइन में विथ पैराप्लेजिया तो 4,00,000 रुपए का पेमेंट होगा। अगर घुटने से पैर कटा है तो 4,80,000 रुपए का पेमेंट होगा। इसी तरह से फ्रैक्चर ऑफ हिप जॉइंट अगर हुआ है तो 1,60,000 रुपए का उसको भुगतान किया जाएगा कंपनसेशन का। फ्रैक्चर ऑफ मेजर बोन फीमर टिबिया बोथ लिम्स 1,60,000 रुपए का पेमेंट होगा। फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस नॉट इन्वॉल्विंग जॉइंट 80,000 का पेमेंट होगा। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी में एक फिक्स अमाउंट उसको पे किया जाएगा। मगर यहां पर ध्यान देने के योग्य बात यह है कि वो आदमी के पास टिकट होना वैलिड है। अब टिकट कई बार ऐसा भी होता है कि जब दुर्घटना हुई तो वो टिकट कहीं गिर गया तो उसका भी बेनिफिट उसको मिल सकता है। और अगर लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि दुर्घटना जो व्यक्ति है उसकी अपनी असावधानी या गलती से या नेग्लिजेंस से ना हुआ। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि दरवाजे पे खड़े होकर यात्रा करते हैं, ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कोई चढ़ती गाड़ी में चल रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसका पैर फिसल गया, उसको कोई पेमेंट नहीं होगा। चलती हुई गाड़ी में उतर रहा है, पैर फिसल गया, कोई पेमेंट नहीं होगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं आई और प्लेटफॉर्म से दूर है और उस पर चढ़ा और दुर्घटना हो गई, कोई पेमेंट नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखने की है कि ऐसे किसी केस में रेलवे उसे पेमेंट नहीं करेगा जिसमें दुर्घटना उसकी अपनी गलती से हुई हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और काफी काम का भी होगा ये वीडियो आपका, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में क्लेम पाने की प्रक्रिया के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन रेलवे एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें क्लेम पाने की क्या प्रक्रिया है ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अब यहां पर यह भी देखना एक बहुत जरूरी है कि कई बार सरकार एक एक्स ग्रेशिया जो है क्लेम अवार्ड कर देती है इस तरह के रेलवे कंपनसेशन के केसेस में। उस एक्स ग्रेशिया क्लेम इस क्लेम से एडिशनल होगा या इसी क्लेम में शामिल है, ये बात उस समय ध्यान देने योग्य होगी। ये केस टू केस डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो का फायदा उठाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि डेथ के केस में 8,00,000 रुपए से कम कंपनसेशन अगर सरकार अवार्ड कर रही है तो आपको 8,00,000 रुपए मिलना आवश्यक है, आपका राइट है। थैंक यू सो मच।